हाथों में ड्रम लेकर पीट रहे शख्स कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि कन्नौज जिले के डीएम है, जिन्होंने लोगों को खुले में शौच में न करने के लिए लोगों को जागरूक किया। तो डीएम की इस पहल पर आम लोगों ने उन्हें गोद में उठाकर जमकर डांस किया है। तो वहीं डीएम ने खुद फावड़ा लेकर शौचालयों का गड्ढा भी खोदा और मिस्त्री के साथ मिलकर शौचालयों का निर्माण भी किया। डीएम जगदीश प्रसाद ने आगामी दिसंबर तक शहर को खुले में शौच मुक्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अगले चरण में हम 20,000 शौचालयों का एक दिन शुभारंभ करने का लक्ष्य रखेंगे। अभी जो 14 को शुरू किया था, 14,000 शौचालय उसका निर्माण लगभग पूरा है। आज 16,000 का शुरुआत हुई है शौचालय निर्माण की। इसके बाद लगभग 20,000 और बचेंगे और जिसका हम अगले चरण में ले लेंगे। तो इस प्रकार से मेरा विश्वास है कि हम 15 नवंबर तक या 20 नवंबर तक पूरे जनपद में जितने शौचालय निर्माण का कार्य अवशेष था पूरा कर लेंगे। और बाकी देश को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए डीएम की इस पहल का सराहना करनी होगी। एसपीएन 9 न्यूज के लिए कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट।